हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक सेफ्टी के बारे में, जिसमें हम जानने वाले हैं कि सेफ्टी यानी कि क्या होता है, यानी कि सेफ्टी की डेफिनेशन क्या होती है। साथ ही हम जानेंगे कि सेफ्टी का फुल फॉर्म क्या होता है। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि अगर आपको सेफ्टी फील्ड में आना है तो उसके लिए कौन से क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए और उसके लिए मार्केट में कौन से कोर्सेस अवेलेबल हैं। और फिर उसके बाद हम जानेंगे कि ये कोर्स करने के बाद आप किस में करियर बना सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि सेफ्टी की डेफिनेशन क्या होती है। तो सेफ्टी की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है कि सेफ्टी जो है वो एक ऐसी कंडीशन है कि जिससे हमें फ्रीडम मिलता है। और ये फ्रीडम हमें कैसे मिलता है, तो उस कंडीशन में जो भी हजार्ड इन्वॉल्व है, रिस्क है, या फिर जो भी एक्सीडेंट है, उससे होने वाले जो भी कॉज है, जैसे कि इंजुरी होना या फिर डैमेज होना या फिर कोई भी मटेरियल लॉस होना, यहां तक कि डेथ भी हो सकती है, तो इस कंडीशन से जो है वो हमें फ्रीडम मिलता है, उसे सेफ्टी कहते हैं। चलिए अब जानते हैं कि सेफ्टी का क्या फुल फॉर्म है। तो दोस्तों, जैसे कि आप गूगल करते हो तो सेफ्टी के जो है वो अलग अलग फुल फॉर्म आपको वहां पर मिलते हैं। जैसे कि सेफ्टी का एक फुल फॉर्म है स्टे अलर्ट फॉर एवरी टास्क यू डू, और एक उसका फुल फॉर्म आता है एस स्टैंड फॉर सर्च दी हजार्ड, यानी कि आपको जो भी एक्टिविटी आप करने वाले हो या फिर होने वाली है उसमें से हजार्ड को सर्च करना है। फिर उसके बाद आता है ए यानी कि एनालाइज दी रिस्क। एनालाइज द रिस्क यानी कि आपको जो भी हजार्ड आपने जो सर्च किया है उसमें से आपको रिस्क को एनालाइज करना है। फिर उसके बाद है एफ यानी कि फाइंड द कॉज। जैसे ही आपने रिस्क को जो है वो एनालाइज कर लिया तो उसके पीछे क्या कॉज है वो आपको फाइंड आउट करना है। फिर उसके बाद आता है ई यानी कि एलिमिनेट द कॉज, यानी कि आपको जो भी आपने कॉज जो है वो फाइंड आउट किया है उसको आपको एलिमिनेट करना है। फिर उसके बाद आता है टी यानी कि टेल टू अदर, यानी कि जो भी आपने ये प्रोसेस की है उसके बारे में आपको दूसरे पर्सन को बताना है। फिर उसके बाद आता है लास्ट में, वो है वाई यानी कि यू आर सेफ, यानी कि अब जो आप है वो सेफ है। तो इस तरह सेफ्टी का जो है ये फुल फॉर्म होता है। अगर आपको इसके अलावा सेफ्टी का और कोई फुल फॉर्म पता है तो आप नीचे में कमेंट करके मुझे बता सकते हो। चलिए अब जानते हैं कि अगर आपको सेफ्टी फील्ड में आना है तो उसके लिए आपका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए और उस क्वालिफिकेशन के बेसिस के ऊपर आप कौन सा कोर्स जो है वो मार्केट में कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप 12वीं पास हो और उसके बाद अगर आप सेफ्टी फील्ड में अगर आना चाहते हो तो उसके लिए आप डिप्लोमा इन सेफ्टी जो है वो कोर्स कर सकते हो, या फिर डिग्री इन फायर एंड सेफ्टी वो भी कर सकते हो। और उसके अलावा अगर आपको गल्फ में जॉब करना है, यानी कि आउट ऑफ इंडिया अगर काम करना है, तो उसके लिए जो सेफ्टी का कोर्स आता है वो है निबोश, तो वो भी जो कोर्स है वो आप कर सकते हो। बस शर्त ये है कि उसके लिए आपकी जो इंग्लिश है वो थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, ताकि ये जो निबोश की एग्जाम है वो आप पास आउट कर सको। अब बात करते हैं कि जिनके पास BSc की डिग्री हो वो भी PCM ग्रुप में, या फिर उन्होंने इंजीनियरिंग का डिप्लोमा या फिर डिग्री किया है, तो वो जो है वो ADS का कोर्स कर सकते हैं, और उसके अलावा PGDS भी कर सकते हैं या फिर निबोश भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई कि आपका कौन सा क्वालिफिकेशन है, उस क्वालिफिकेशन के ऊपर आप कौन सा जो है वो सेफ्टी का कोर्स कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं कि ये जो सेफ्टी के कोर्सेस है जो मैंने आपको बताया है, ये अगर आपने कंप्लीट कर लिए तो आप किस में करियर बना सकते हो। तो सबसे पहला है कि आप जो है एज अ सेफ्टी इंस्पेक्टर करके ज्वाइन कर सकते हो, या फिर सेफ्टी कोऑर्डिनेटर हो, या फिर सेफ्टी एडवाइजर हो, या फिर सेफ्टी ऑफिसर हो। और इसके अलावा अगर आपके पास इंजीनियरिंग का डिप्लोमा या फिर डिग्री है और ये जो कोर्स मैंने आपको बताया है ये भी है, तो आप जो है सेफ्टी इंजीनियर में करियर बना सकते हो। तो दोस्तों, ये थी बेसिक जानकारी सेफ्टी के बारे में, कि जिसमें मैंने आपको बताया कि सेफ्टी यानी कि क्या होता है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, उसके लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए और उस क्वालिफिकेशन के बेसिस पर आप जो है मार्केट में कौन से कोर्सेज कर सकते हो। साथ ही में मैंने आपको बताया कि आप किस में करियर बना सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर।